क्या क्या पढ़ा अपन ने? तीन चार पहाड़ियां, चार पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में, डफला, मिसमी, मीरी और अबोर। कितनी, कौन सी? देखो डफला या डाफला, डफला ही कर देता हूं, डफला, मिसमी, मीरी और अबोर, चारों किसमें हैं? अरुणाचल प्रदेश में। पटकोई बूम किसमें है? म्यांमार में, नागालैंड, म्यांमार की सीमा नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। फिर नीचे आते हैं नागा की पहाड़ियों में, यहाँ कोई पर्वत है क्या? ब्लू माउंटेन कहाँ है? ब्लू माउंटेन है ना, या सारामती है? तो यहां पर सारामती नागा की पहाड़ियों में। फिर आती है मिजो की पहाड़ी या मणिपुर, मणिपुर में, मणिपुर में कोई पहाड़ी है क्या? क्या नाम है मणिपुर में? लोकटक झील है, लोकटक झील है जिस पर द्वीप स्थित है, द्वीप को पुमडी कहते हैं, और उन पुमडी तैरते हुए पुमडियों पर उद्यान स्थित है जिसका नाम है किबुल लामजाओ, वहां एक सेंचुरी है जिसका नाम है किबुल लामजाओ, और वो सेंचुरी संगाई सेंगाई या मणिपुर हिरण के लिए प्रसिद्ध है। फिर आती है नीचे मिजो की पहाड़ियां, मिजो की पहाड़ियों को क्या कहते हैं? लुसाई की पहाड़ियां कहते हैं। यहां कोई पर्वत चोटी है क्या? है, यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन। और सारामती कहां है फिर? है हाँ, नागालैंड में। यही तो ध्यान रखना है अपन को, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना, आपको लोकटक झील का नाम ध्यान रखना है, ठीक है, सारामती पर्वत ध्यान रखना है जो नागालैंड में है, ब्लू माउंटेन का नाम ध्यान रखना है, लुसाई की पहाड़ियां का नाम ध्यान रखना, लुसाई की पहाड़ियां सबसे लास्ट में मिजोरम में, ब्लू माउंटेन मिजोरम में, सारामती की पहाड़ियां नागालैंड, एक का ध्यान रख लो, सारामती का ध्यान रख लो या ब्लू माउंटेन का ध्यान रख लो, हो जाएगा। असम में, असम में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? देखो मिकिर की पहाड़ियां, बरेल की पहाड़ियां और कछार की पहाड़ियां, असम में ही है ना। सारामती कहां है? नागालैंड। एक ही ध्यान रखो, सारामती कहां है? नागालैंड। लुसई आपको पता है मिजोरम में, ब्लू माउंटेन पता है आपको मिजोरम में, त्रिपुरा में ऐसी कोई पहाड़ियां विशेष नाम की नहीं है, ये गारो, ये खासी, ये जयंतिया, तीन पहाड़ी पठारी पठार हैं ये। खासी की पहाड़ी में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है जिसका नाम मौसिन राम। इसके अलावा वैष्णव धर्म का तीर्थ स्थल, वैष्णव संप्रदाय का, सनातन हिंदू धर्म का तीर्थ स्थल, ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो गया।